पटना के गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं और एक बार नज़ारा देख लीजिए, किस तरह से नज़ारा है, किस तरह से हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू के आए हुए हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है। मैम, इतने संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कारण है? आज पूरे देश के तमाम राजधानी में ये 3 दिवसीय महापड़ाव का कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो मजदूरों से, किसानों से, तमाम स्कीम वर्करों से जो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ हर साल मतलब रोजगार देंगे और लोगों को कम से कम जीवन जीने लायक मजदूरी देंगे, मगर आज कहिए कि अब 10 साल हो गए, अब 2 महीने के बाद चुनाव होने जा रहा है 24 में, मगर सरकार ने जमीन पर एक भी वादा को वो लागू नहीं किए, बल्कि महंगाई इतना आसमान छू गया है कि आज मजदूरों के परिवारों को, स्कीम वर्कर के परिवारों को आज परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर के पूरे देश में आज सड़कों पे उतरे हैं कि केंद्र सरकार को इन तमाम जो और मतलब मजदूरों के खिलाफ नीतियां पारित कर रहे हैं, किसानों के जो किसान ने 1 साल तक दिल्ली में बैठ करके अपने मतलब जो गलत नीतियां बनाई गई थी उसके खिलाफ वो लड़े थे, उन नीतियों को भी जो सरकार ने समझौता किया था उसको भी जमीन पे लागू नहीं किया है। तो इसलिए इन सवालों को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं कि आपने जो जी ये तो देख सकते हैं 3 दिवसीय प्रदर्शन हो रहा है साफ तौर पे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, चलिए यहाँ के जितने किसान हैं इनसे जुड़ते हैं। देखिए बिहार राज्य किसान सभा लिखे हुए हैं और यहाँ पे मौजूद है। क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ केंद्रीय सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार का जो गलत नीति है किसान मजदूर के खिलाफ, उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। किसान देखिए तो किस तरह से यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, साफ तौर पे हम जुड़ते हैं और क्या कहना है। मैम, किस लिए आई है आप बताइए ना, किस लिए आई है? इतने लोग, इतने संख्या में लोग आए हैं, किस लिए आई है? इसलिए किस लिए आई है? मजदूरी के लिए, मजदूरी करने, मजदूरी हो रहा है के लिए। किस लिए आई है? अरे हम लोग तो गरीब है, हम लोग का जमीन नहीं है, नहीं है, हम लोग बिहार सरकार में बसे हुए हैं, हम लोग का सरकार जमीन दीजिए, मजदूर है, मजदूरी हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे संख्या में लोग आए हुए हैं और साफ तौर पे कुछ को पता है कि क्यों आया, कुछ को ये भी करना है कि सरकार के खिलाफ आए हैं। ये 3 दिवसीय रहेगा जिसमें इतने संख्या में लोग पटना गर्दनी बाग में ही मौजूद रहेंगे। देखना लाजमी रहेगा क्या कुछ आगे होता है। बने रहेगा इस न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश।